अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक नई दिन, एक नई वीडियो और एक नई उम्मीद की किरण के साथ आपके साथ हाज़िर होते हैं। तो आज की हमारी प्लानिंग है एक नई जगह की तरफ। उस जगह का नाम तो आर्क दी ट्रोफ के नाम से है, लेकिन वहाँ जाके आपको कन्फर्म करेंगे कि उसका मज़ीद अच्छा नाम क्या है। हमें तो फ़िलहाल इतना ही उसका नाम पता चला है। तो आज हमारे साथ अमनदीप सिंह भी हैं, ये भी हमारे साथ चलेंगे। ये भी हम मेरी तरह यहाँ नए हैं, मतलब स्पेन में ये नए हैं, तो अपने साथ साथ इनको भी घुमाते रहेंगे और इनको भी दिखाते रहेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो फ़िलहाल तो जहाँ हमें जाना है वहाँ के लिए हमें दो ट्रेनें लेनी पड़ेंगी। तो पहली ट्रेन जो रेनफे है और दूसरी फिर मेट्रो। तो यहाँ असल में स्पेन में मेरे ख़्याल से कोई चार किस्म की ट्रेनें चलती हैं। एक रेनफे हो गई, एक मेट्रो हो गई, एक ट्राम हो गई और एक बुलेट ट्रेन हो गई। बुलेट तो वो है जो इंटरनेशनल चलती है। लोकल यहाँ की तीन ट्रेनें होती है, बुलेट ट्रेन होती है, सॉरी मेट्रो और ट्राम और ये रेनफे। यहाँ से हम लेंगे रेनफे। रेनफे ट्रेन हमें एक मखसूस मुकाम तक पहुँचाएगी, फिर वहाँ से हम सफ़र इख्तियार करेंगे मेट्रो पे जो हमें आर्क दी ट्रोफ पहुँचाएगी। तो इंशाल्लाह जैसे ही जैसे सफ़र शुरू होता है आपको आगाह करते रहेंगे। फ़िलहाल हम तो ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं स्टेशन पे, तो जैसे ही ट्रेन आती है आपको आगाह कर देते हैं। ये हमारी ट्रेन तो आ चुकी है, बस इसमें सवार होना है, तो पहुँचे इसकी तरफ। ए भाई हमें रास्ता दो, हमें रास्ता दो, गुम्मा आ जा। तो ट्रेन का सफ़र यहाँ से शुरू किया जाता है और ये हम तशरीफ़ फरमा रहे हैं ट्रेन की तरफ। तो जिस तरह की मज़ीद मालूमात होती है हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। इससे फिर यहाँ से जो सफ़र है, यहाँ से बार्सिलोना तक का मेरे ख्याल से कुछ आधा घंटा लग जाता है। तो आधे घंटे तक के लिए इतना ही हो सकता है कि हम बैठे रहेंगे और इंतज़ार करते रहेंगे अपने स्टेशन का। तो नेक्स्ट स्टेशन तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अमनदीप सिंह, आप क्या फरमा ख्याल हैं हमारे? कोई भी ख्याल नहीं, ठीक है। ये जो हम उतर रहे हैं ये है बार्सिलोना सांस स्टेशन ना, तो ये स्टेशन इंटरनेशनल कहलाया जाता है और यहाँ से मतलब पूरी दुनिया कह रहा हूँ, पूरे यूरोप के लिए ट्रेवल भी होते हैं बार्सिलोना आप उसे। और ये बहुत मशहूर स्टेशन है जिसे बार्सिलोना सांस के नाम से पहचाना जाता है। मतलब आपने फ्रांस, जर्मनी, मतलब अंडर यूरोप आपने कहीं भी ट्रेवल करना हो तो ये कि आपको उसी स्टेशन से गुजरना पड़ता है, मतलब आपने ये ट्रेन के लिए रास्ता लेना पड़ता है। तो फ़िलहाल तो हम यहाँ हमने उतरे हैं, तो अब यहाँ से हम लेंगे दूसरे उसके लिए, मतलब यहाँ से हम हमारी दूसरी ट्रेन है अब L1, उसकी तरफ चलते हैं। तो फिर L1 जो है हमें हमारे नेक्स्ट स्टॉप तक पहुँचाएगी, तब तक के लिए हमारे साथ रहें। ये है इस ट्रेन के अंदरूनी मनाज़िर, मतलब आप इसे ये कह लें कि ये यहाँ का एयरपोर्ट भी है, मतलब जिसे आपको कहा कि यहाँ से मतलब पूरी यूरोप के लिए ट्रेनें जाती है, तो ये एक यहाँ के हिसाब से एयरपोर्ट ही हो गया। ये आपको नज़र आ रहा होगा, श्री अमनदीप सिंह। ये मेरे साथ बेचारे नए हैं, मेरी तरह शर्मा रहे थे शुरू में, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी भी शर्मा ही रहे हैं। उनको मैं कह रहा हूँ कि शर्माओ नहीं, ये मान नहीं रहे मेरी बात। अम्मा, अमनदीप सिंह शर्मा क्यों रहे भाई? तशरीफ़ फरमा है L1 के प्लेटफॉर्म पे और अब इंतज़ार होगा उस ट्रेन का। लेकिन यहाँ ये है कि मेट्रो एक मतलब हर एक मिनट या दो मिनट बाद अगली ट्रेन होती है, तो अब उसका इंतज़ार करना है। तो वो आती है तो फिर हम अपने मुकाम आर्क दी ट्रोफ की तरफ पहुँचते हैं, तो आपके साथ जुड़े रहेंगे। यही बात तो इतने मतलब आपके साथ जुड़े रहेंगे के लिए तो न्यूज़ एंकर भी इतनी मरतबा नहीं बोलते होंगे कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो मैं तो पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँ आपसे। हमारी ट्रेन आ चुकी है और फिर हम अब इसकी तरफ सवार होते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा, तो आपको आगाह करते रहेंगे। अम्मा आ जा। ये है L1 और तो यहाँ से हमें मेरे ख्याल से लगेंगे कुछ 4 से 5 स्टॉप है हमारे यहाँ से, तो ये हमें पहुँचाएगी उसकी तरफ।
फिर तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं, मतलब हाजिर पहुंच चुके हैं आर तित्रोफ स्टेशन की तरफ, और ये अमनदीप सिंह महाराज अपने साथ हैं। तो अब यहाँ से निकलना है बाहर, और फिर मतलब वो मनाजिर जो मकसद असली है, मतलब जो आपको दिखाने हैं, जिनकी आपको ज़्यारत नसीब करवानी है, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से शुरू होगा। तो अभी तो मतलब यहाँ से बाहर की तरफ निकलना है। वो जिसकी मैं बात कर रहा था आर्क दे त्रोफ के नाम से, तो वो एक मतलब यहाँ की एक बार्सिलोना की मशहूर एक जगह, वो ये आपको वो सामने नज़र आ रही होगी। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे हम चार मीनार चौरंगी बादराबाद पे खड़े हुए फील हो रहा हो, अगर आप जैसे इंडिया की इंडिया में भी इस तरह चार मीनार है वो भी कह लें आप इसे। तो बहरहाल ये बादराबाद की चार मीनार चौरंगी नहीं है, ये स्पेन बार्सिलोना की आर्क दे त्रोफ के नाम से जो एक जगह है वो है ये, इन्होंने यहाँ बाबा भी बनाया हुआ है पाओ क्लारिस के नाम से। ये बाबे हैं इनके, होंगे पता नहीं कौन से बाबे, बाबे तो हमारे यहाँ भी बहुत है, तो एक बाबे ये भी होंगे। तो ज़्यारत पम्मा इत मेरी पुत्र मेरी जान इत। तो ये है इसका आर्टिकल जो मना मतलब आर्किटेक्चर बनाया हुआ इन्होंने, वो इस तरह का है। ये मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारी चीज़ें इसी है, मतलब हर चीज़ कोई ना कोई किसी तरफ इशारा है। जैसे ऊपर वो उन्होंने अपने मतलब सलेब बनाए हुए हैं, तो मतलब वो इनका जो होता है ना यीशु मसीह से तो तशबीह दी जाती है, तो ये उस तरह का है, इस तरह का इन्होंने वो बनाया हुआ है इसके लिए। ये इसके चारों तरफ का नज़ारा है। अभी असल में ये कहानी के मतलब जो टूरिस्ट होते हैं तो इस सीज़न में कम हो जाते हैं वो बहुत ना, उसकी वजह होती है कि ठंड शुरू हो जाती है फिर यहाँ, तो यहाँ इतने मतलब लोग नहीं आते। जब मौसम गर्मी का होता है तो यहाँ बहुत रश होता है। तो ये है उसकी यार भी त्रोफ के जो आर्किटेक्चर है वो ये है। वो आर्किटेक्चर एक चार मीनार चौरंगी कह लें वो हुआ, और इसके जो मज़ीद अब चीज़ें हैं वो ये है कि एक यहाँ एक मतलब प्लासा जिसे आप कह लें रमला, सॉरी रमला कह लें, यहाँ का एक रमला भी है, वो भी एक मतलब खूबसूरती का मंजर पेश करता है। और यहाँ आसपास कुछ मीनार मतलब एक कुछ डिज़ाइन और भी हैं जो एक खूबसूरती पेश कर रहे होते हैं, जिसमें ये देखें इसके मतलब ये है कि खजूर के दरख्त वगैरह, और फिर ये एक पूरा रमला है समले को बनाया हुआ। ये होता है कि ये मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए बंद रहता है, मतलब कोई आम दरख्त नहीं होती, सिर्फ पुलिस की गाड़ियाँ आती है, तो इस तरह की गाड़ियाँ जो एमरजेंसी गाड़ी वही आती है, इसके अलावा यहाँ कोई आम दरख्त नहीं होती। और ये इसका मतलब यहाँ से वहाँ से यहाँ मीनारे बने हुए वहाँ से शुरू होता है और यहाँ ये इख्तिताम पज़ीर हो जाता है इस जगह, वो आप देख रहे होंगे। एक ये इसके कुछ मतलब कुछ तस्वीरें बनी हुई है इस टाइप की, ये भी मतलब अच्छा यहाँ जो चीज़ें होती है उसका मतलब किसी न किसी तरह इशारा कर रहे होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उसका बैकग्राउंड होता है। अब तारीख़ के तो हम ना पढ़ाकू है और ना कोई तारीख़ के हम तालिबे इल्म हैं कि आपको तारीख़ पेश कर सकें, बस बहरहाल हमारे बस में तो यही है कि आपको मनाजिर दिखा सकें, तो बहरहाल तो यही है। और अच्छा इसी के जो है ना ये जो आर्किटेक्चर मतलब चार मीनार है, इसी के सामने की तरफ आप देखें तो ये वो बना हुआ है, ये मेरे ख्याल से किला है, जैसे अगर आप किला तैकफूर का किला है ये, तो आप वो तैकफूर का किला ही समझ लें इसे। और ये है उस आर्किटेक्चर के सामने का पार्क, मतलब आप इसे पार्क के लिए यहाँ भी मतलब टूरिज़म पॉइंट है, यहाँ भी टूरिस्ट होते हैं, तो ये इसी के साथ वो जो किला जिसे मैं आपको कह रहा था तैकफूर का किला कह लें, अगर आपने अर्तगल गाज़ी वाला ड्रामा देखा है तो उसमें तैकफूर के किले होते हैं, तो ये उसका एक किला है, उसका नहीं मतलब मैं इसे कह रहा हूँ कि किले कह लें, तो ये एक किला है किला नुमा। ये अभी इसकी ज़ैर तामीर है, अब ये पता नहीं मज़ीद तामीर बना के इसको पता नहीं क्या बनाने चाह रहे हैं ये लोग, लेकिन फ़िलहाल तो ये ज़ैर तामीर है। और ये है यहाँ का पार्क, ये पूरा वो आखिर तक ये पार्क बना हुआ है, ये है मतलब वसी पैमाने पे बड़ा है ये पार्क काफ़ी ना, तो ये उसके सेंटर का बिल्कुल वो है रास्ता है, जो यहाँ सेंटर का जो रास्ता किया है। ये इसी पार्क से मुत्तसिल एक जगह है, मतलब आप इसे चर्च कह लें, ये क्या का शायद के चर्च हो वो, अब ये इसकी भी मालूमात फराहम नहीं है कि ये है क्या चीज़,
केवल इतना है कि यहाँ ये भी बना हुआ है। ये सारे मतलब वो पुरानी इमारतें हैं ना जो अभी तक है, और ये मतलब एक टूरिज्म पॉइंट बना दी कि टूरिस्ट वगैरह आते हो तो मतलब यहाँ आते हैं। ये इस तरह के पॉइंट बना दिए इन्होंने इसको, और ये इसी से मुतसिल अब ये इस जो है ना मतलब ये जहाँ है ना बार्सिलोना, इसे इस प्रोविंस को कतलोनिया कहा जाता है। ये सामने कतलोनिया का पार्लियामेंट है इन दरख्तों के पीछे, मतलब यहाँ जाल वगैरह लगाए हैं सिक्योरिटी के रीज़न, तो मेरे ख्याल से यहाँ कुछ एंट्री नहीं मिल सकती। और ये उसी से मुतसिल ये एक वो बनाया हुआ है बत्तख वगैरह के लिए, तो यहाँ मतलब ये लोग बूट वगैरह पे भी सफ़र करते रहते हैं, तो मतलब आना जाना अंदर एक का जिसे आप कह लें वक्त को गुजारने के ज़रिए, तो यहाँ भी एक ये ज़रिए है मतलब आन लोगों का आने का घूमना फिरना एक पॉइंट के लिए आप, तो इस तरह का ये भी है इससे मुतसिल। ये इसी पार्क में इससे मुतसिल ये भी एक मंज़र है, ये मेरे ख्याल से मतलब ये भी कुछ ज़ेर तामीर इसलिए इसे भी बंद किया हुआ है, और यहीं इसी जगह एक ये वीरान मंज़र, ये लोमड़ी है उसके ऊपर गिद्ध लगा हुआ है। तो मज़ीद ये सारे इसका आर्किटेक्चर बने हुए हैं इसी पार्क का, मतलब एक तो वो एक एंट्री तक एक तरफ ये एग्ज़िट है, ये उसी पार्क का एग्ज़िट है, तो ये हम वहाँ से इंटर हुए थे फिर यहाँ से एग्ज़िट कर लिया हमने, मतलब यहाँ से निकल गए। और ये फिर आगे इसका एक आप कह लें कि एक ये भी कोई मतलब सरकारी इमारत है स्पेन की, ये सामने जो आपको नज़र आ रही होगी वो ये सामने पहाड़ है, ये मतलब इस पहाड़ के ऊपर भी एक किला बना हुआ है, तो ये किला भी एक बहुत मशहूर किला है, तो इंशाल्लाह किसी दिन आपको इससे मुतसिल भी आगाही बख्शेंगे। तो ये थी आज की मालूमात, और आज की जो आपको नज़ारे थे दिखाने के वो ये थे। तो आज तक के लिए इतना, और इंशाल्लाह इस तरह के मज़ीद जितने लोकेशंस या जिस तरह की जगह होती होंगी तो इंशाल्लाह हम आपके साथ घूमते रहेंगे वहीं। तो आज तक के लिए ही इतना ही, फ़िलहाल अपना ख्याल रखिएगा, और हमें और इसके अलावा एक और चीज़ ये भी मतलब कि आप जो देखने वाले हैं अगर इसमें मेरी तरफ़ से कोई गलती हो या ऐसा हो कि कुछ मतलब मेरे इस लायक हो के इसमें आप मेरी इसलाह कर सकें तो ज़रूर अपने राय से आगाह करें कमेंट सेक्शन में, हम मुझे आप बताएँ कि भाई इसमें ये भी मज़ीद ऐड कर किया जा सकता है, इस तरह हो सकता है। तो फ़िलहाल इतना ही, इंशाल्लाह आपसे होती है मुलाकात जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।